आशिफ अली, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, मैं विहाड़ी से हूँ और मैंने हॉकी दो सन 2000 में स्टार्ट की और 2003 में मेरा पहला टूर 2003 में पाकिस्तान जूनियर टीम की तरफ से था जो मैंने यूरोप टूर किया। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूमा हूँ जिनमें हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इंडिया, जापान, कोरिया और कभी अजरबैजान, मस्कत, बांग्लादेश, मैंने काफ़ी कंट्रीज, अब जितने मुझे याद हैं वो मैंने सर बताया। टाइम 2003 में पाकिस्तान जूनियर टीम में आया था, उसके बाद फिर प्रॉपर हमारे बैच की 2005 में जूनियर टीम बनी जो 2009 का वर्ल्ड कप हमने मलेशिया में खेला। फिर 2007 में मैं सीनियर टीम में आया, इन आउट होते 2016 तक मैं पाकिस्तान सीनियर जूनियर से खेला। बेसिकली हॉकी का शौक़ मेरे वालद साहब को था, उनकी वजह से मैंने हॉकी स्टार्ट की और विहाड़ी से इधर से बहुत सारे ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर विहाड़ी ने पैदा किए हैं, तो मैं अपने इस हॉकी क्लब और विहाड़ी की तरफ से हॉकी खेलता रहा हूँ, जिनमें हमारे विहाड़ी में ओलंपियन सलीम शेरवानी साहब, काशिफ, मैं, अदील भाई, खलील भाई, दानी भाई और भी मुतअद्दिद प्लेयर हैं, वसीम भाई हैं और भी काफ़ी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान जूनियर और सीनियर की तरफ से खेल चुके हैं। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हम अपने ग्राउंड में करें, इधर ग्रासी ग्राउंड है, हम जब इधर खेलते हैं ग्रास से जब बास्टर टॉप में कोई भी प्लेयर जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मेरी पाकिस्तान हुकूमत वक्त से अपील है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली विहाड़ी में भी एस्ट्रोटर्फ लगाई जाए। इधर 10-15 इंटरनेशनल और सैकड़ों की तादाद में डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं और आज भी हमारे ग्राउंड में माशाल्लाह 70-80 प्लेयर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर एस्ट्रोटर्फ होगी तो वो और मज़ीद अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की सतह पर रिक्वायर्ड है।